नमस्ते मनोज जी, वी आर बैक नमस्कार नमस्कार न्यू ईयर, नमस्कार हैप्पी पंकज न्यू जी। ईयर यस, 2022। आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। नए साल की बहुत मुबारकबाद सभी को, और उम्मीद करते हैं कि इस साल में सभी लोग तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, और फिर से सबका मिलना जुलना जो है वो वैसे तो शुरू हो चुका है, मगर और भी ज़्यादा हो, और सब लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मगर सब हम लोग साथ में मिलें फिर से, और हमारी संगीत की जो यात्रा है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो इस नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022, हाँ, तो आज हम अपनी 57वीं कड़ी लेकर आए हैं, एपिसोड वाह, नंबर 57। क्या बात है। जी जी और नए बैकग्राउंड और में, नए कलर्स में। नए कलर्स में, नए बैकग्राउंड में, जी जैसे आपने हाँ, कहा, नए साल के नए रंग नवरंग। नवर। बढ़िया। तो ये आज हम दो रागों के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों रात में गाए जाते हैं, थोड़े से देर रात की तरफ दोनों का झुकाव है। लेट नाइट मेलोडीज, बोथ दीज राग्स दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे। वी आर फर्स्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ ए राग कॉल्ड भिन्न षडज। जी हाँ, भिन्न षडज, ऑल्सो कॉल्ड एज कौशिक ध्वनि। और उसके बाद द राग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज राग हेमंत। तो भिन्न षडज और हेमंत, इन दो रागों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो दिस नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग, भिन्न षडज, राइट? सो द आइडिया इज दैट इन दिस राग इट फील्स एज इफ द नोट, द मेन नोट सा, विच इज लाइक द स्टार्टिंग नोट ऑफ आवर म्यूजिक, इट फील्स एज इफ इट इज सेपरेटेड, यानी कि उसको अलग किया गया है, उसको भिन्न किया गया है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नी, द 7th नोट नी। इट फील्स एज इफ सा इज ऑलमोस्ट लाइक रिलेगेटेड टू सेकेंडरी पोजिशन, एंड इसकी वजह से इसका नाम भिन्न षडज ऐसे रखा है। इट्स पेंटेटॉनिक स्केल राग, 5 नोट्स। द 2 नोट्स दैट आर एबसेंट आर सेकेंड नोट रे एंड द 5th नोट प। बिलोंग्स टू बिलावल थाट, सो विच मीन्स इट हैज ऑल शुद्ध स्वर्स, है ना, सारे शुद्ध स्वर लगते हैं इस राग में। इसका वादी स्वर वैसे है ग, गंधार, द 3rd नोट, एंड द 7th नोट नी इज द समवादी स्वर, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, संग लेट नाइट। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द आरोह अवरोह ऑफ भिन्न षडज, एंड देन वी विल मूव ऑन विद द क्लासिकल कॉम्पोजिशन इन दिस राग। So the aroha aroha goes like this. Sa ga ma dha ni sa ni तो ये इसका भाव है। सो इफ यू नोटिस द वे आई हैव परसीव दिस राग इज दैट इट हैज गॉट अ वेरी हॉन्टिंग फीलिंग, यानी कि ऐसे लग रहा है कि देर इज सम काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन द एनवायरमेंट। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये राग बहुत जबरदस्त है, मीनिंग यू आर मिसिंग समबडी, राइट? सो वो जो है, तो जैसे विरह का भाव बोल सकते हैं, कभी कभी दुख का भी भाव बोल सकते हैं इसमें, और कभी कभी इसमें
कोई बात अगर आपको किसी को समझानी हो तो वो भाव इसमें आता है, मगर जो स्थाई भाव है इसका, जो इनहेरेंट फील ऑफ दिस राग इज व्हाट आई हैव परसीव्ड टू बी इज दैट ऑफ सम काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस, सम वैक्यूम, यू नो, तो उस तरह का इस राग में फील है। तो जो कॉम्पोजिशन भी अभी हम लोग गाने वाले हैं, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, जो छोटा ख्याल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो भी इसी भाव को दर्शाता है। इट एक्चुअली शोज द फीलिंग ऑफ सेपरेशन दैट वन एक्सपीरियंसेस विथ द डियर वन। द कॉम्पोजिशन सेज, कल ना परे, मीनिंग चैन नहीं पड़ रहा है, कल ना परे तुम बिन मैं का बीतत बीत गई रतिया। सो सेट टू अधा तीन ताल, विच इज 16 बीट साइकिल। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है, ये कॉम्पोजिशन। हाँ हाँ, ये ट्रेडिशनल, जी 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 बिल्कुल। Zid na zid na te कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का बीतत बीत गई रतिया। कल ना परे तुम बिन मैं का बीतत बीत गई रतिया। कल ना परे लाल पिया परदेस गवन किनो, लाल पिया परदेस गवन किनो, दरस तरस रही हमरी अखियां। कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे कल ना परे तुम बिन कल ना पर तुम बिन मैं का, कल ना पर तुम बिन मैं का, कल ना पर तुम बिन मैं का। जनी सा ग ग ग ग म
तो ये तो जैसे मैंने कहा कि यू नो इट हैज गॉट दैट फीलिंग ऑफ लाइक एक ऐसे एक खाली खाली खालीपन इस राग का जो भाव है, इट्स लाइक अ वैक्यूम.
राइट सो सम नॉस्टैल्जिया सम हाँ सो नाउ अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग इन दिस राग इट्स अ मीरा भजन संग बाय लता जी एंड उसमें भी मीरा एज वी ऑल नो वॉज सो डेस्परेट फॉर द विजन ऑफ कृष्णा सो इन दिस कॉम्पोजिशन शी टेल्स द बर्ड द क्रो टू गो फ्लाई एंड पास ऑन हर मैसेज टू द लॉर्ड तो उसकी भी ट्यून जो है वो बिल्कुल अभी जो मैंने बंदिश गाई निसा धम ग सा निसा धम ग सा उड़ जा रे का साधनी धगम ग सा धनी सा गम धनी सा निसा धगम ग सा उड़ जा रे का गा बन का उड़ जा रे का गा मेरा श्याम गया बहुत दिन कारी 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 उड़ जा रे का बन का उड़ चार का तेरे उड़ा सु राम मिलेगा राम 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 तेरे उड़ा सु राम मिलेगा धोखा भाग मन का इत गोकुल उत मथुरा नगरी हरी है गाढ़े बन का उड़ जा रे का गा बन का उड़ जा गजल बेस्ड ऑन दिस राग विच पंकज जी एक्चुअली आई डोंट थिंक यू हैव इन योर लिस्ट एंड वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट एक्चुअली सरप्राइजिंगली एंड गजल बाय नन अदर देन उस्ताद मेहंदी हसन साहब वेरी फेमस कॉम्पोजिशन बाय मिर्जा गालिब साहब मग सा सा ध ध सा 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 गम धम गम धनी सा नि धम ग म ग सा दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं दायम पड़ा हुआ और स्टेंजा याद याद नहीं है एक्चुअली ये मैंने ये हाँ ये गाई नहीं है मैंने गजल मगर ये जबरद ये हाँ तो दिस हैज बीन संग बाय मेनी सिंगर्स इन डिफरेंट ट्यून्स बट मेहंदी हसन साहब हैज संग दिस इन दिस राग सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो भिन्ना षड्जा हैज लेसर सॉन्ग्स कंपैरेटिवली So we heard a bhajan and a ghazal. But the second rag that we're going to talk about, Hemant, that actually has more songs. Okay. Now Hemant, farak ye hai Bhinna Shadja aur Hemant mein. That in the
अवरोह ऑफ हेमंत मीनिंग वाइल कमिंग डाउन यू इंक्लूड ऑल द स्वर्स. सो द स्वर्स दैट आर एब्सेंट इन भिन्न षडज आर टेकन इन द अवरोह ऑफ राग हेमंत. सो विच मीन्स द आरोह एंड अवरोह ऑफ हेमंत वुड बी सा ग म ध नि सा सा नि ध प म प ग म रे सा. तो ये राग हेमंत. सो एज यू कैन सी वी इंक्लूडेड ऑल द स्वर्स व्हाइल कमिंग डाउन. Is it something to do with the Hemant season? One of the six. Yes, in fact, yeah, they. It is said that in fact some of the compositions that you hear in this rag actually incorporate that word, and the season, you know. So yes, so Hemant rag to be sung in Hemant season is what they say, but no, it's not as popular. A thought or an idea as the Malhar family of rags, which are very synonymous with rainy season. Many a times people don't even know that there is something called Hemant Ritu, right? हम लोग हिंदी में कहते हैं वैसे. But so yeah. In fact, I'm not sure when exactly is Hemant Ritu. I think it's probably it is just before the Vasant Ritu is what I'm thinking. Vasant, acha. Okay. Just before that. Okay. I could be wrong though, but people listening to our post can correct us actually. So. So the very famous Thumri of Bade Ghulam Ali Khan Sahab. In fact, when Jagjit ji passed away, there was a memorial held in his honor, and Rashid Khan Saab, our current day number one classical singer, big name. He actually sang this, and it was so well received. So there is a recording of that on YouTube if you guys want to hear. But of course, please do hear the original Thumri sung by Bade Ghulam Ali Khan Sahab. And which Thumri am I talking about? याद पिया की आए हाय, याद पिया की आए, ये दुख सहाना जाए हाय, ये दुख सहाना जाए हाय राम, याद पिया की आए हाय, याद पिया की आए. तो ये जो इतनी पॉपुलर ठुमरी है. नाउ कोइंसिडेंटली सी रामचंद्र जी आवर म्यूजिक डायरेक्टर ही केम अप विद अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बहुरानी sung by Lata ji. Same tune. He actually picked up exactly the same tune. And how does it go? So, yaad piya ki aaye, bal ma anadi man bhaye, bal ma anadi man bhaye, ka karu samajh na aaye, का करूं समझ न आए हाय राम, बल मा अनाड़ी मन भाए, बल मा अनाड़ी मन भाए. देखिए या सो सेम ट्यून Hemant, because it incorporates all the swars while coming down, the feel is slightly different, as you can probably make out from Bhinna Shadaj, in the sense that it has more of a Shringar Ras, you know. So, isme ye sare swar hone ki wajah se,
अब जैसे ये बलमा अनाड़ी मन भाई है, ये हमने गाना सुना, कोज इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग एज वी हर्ड इन याद पिया की आए, एंड इट कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विच इज अप्रोप्रिएटली शोन इन द नेक्स्ट सॉन्ग, जो अगला जो गाना है उसमें निराशा का भाव हमको दिखता है, संग बाय लता जी फ्रॉम द मूवी, कंपोज बाय अनिल बिस्वास जी, जलती निशानी या दैट्स व्हाट आई एम सो रूठ के तुम तो चल दिए, सो देखिए ये पूरा हेमंत सा 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 धनी ध पामा, रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं दुआओं को क्या करूं जिसने हमें जुदा किया, ऐसे खुदा को क्या करूं, रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं दुआओं को क्या करूं। देखिए ये अमेजिंग सर जी, क्या एफर्टलेसली आप लता जी और मेहंदी क्या हैंडल करते हैं, वाह वाह। तो नहीं तो ये जिसमें मैंने कहा कि निराशा का इसमें भाव आप हमको दिखा। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन संग बाय मन्नादा फ्रॉम द मूवी संगीत सम्राट तानसेन। ओह वाओ, ओके। तो वो भी प्योर हेमंत में ही आधारित है, हेमंत परी। सुध भी सर गई आज अपने गुनन की, सुध भी सर गई आज अपने गुनन की, आई गई बात बीते दिनन की, सुध भी सर गई आज अपने गुणन की सुध। तो ये संगीत सम्राट धुरंधर लोगों के गाने आज आ रहे। तो अच्छा अभी अगला जो गाना है आदमी मूवी का आपके लिस्ट में है मेरे ख्याल से। हाँ, है, मैं महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी साहब। नाउ दिस इज अ वेरी रेयर डुएट दैट यू हियर, कि महेंद्र कपूर साहब जिन्होंने रफी साहब को अपना आदर्श माना। महेंद्र कपूर साहब कंसिडर्ड रफी साहब टू बी हिज आइडियल, एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन सो अपलिफ्टिंग फॉर हिम टू सिंग अ डुएट विद हिज आइडियल। सो राग हेमंत फिर से इसमें पूरा आपको हेमंत का भाव। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है, ओ दे वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात सर जी। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी थी इस गाने में अपेरेंटली। अच्छा, कहीं कहीं पे रफी साहब के साथ महेंद्र कपूर लिखा है जैसा आपने बोला जी, कहीं कहीं पे तलत महमूद लिखा है। नहीं नहीं नहीं, शायद वो नहीं, मेरे ख्याल से दो उसके अलग वर्जन होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ एक्चुअली वो वैसा ही है आई थिंक। ये जो वर्जन कल मैं सुन रहा था इन दैट महेंद्र कपूर जी हैज संग, बट आई थिंक तलत महमूद साहब हैज आल्सो संग इन वन ऑफ द वर्जंस इफ आई एम। हां, फिर उसके बाद उनकी लड़ाई हो गई रफी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी तलत महमूद गाया नहीं बाद में। अच्छा, टीम या तलत महमूद साहब गुस्सा आ गए। एनीवे या, बट या
सो ये तो ऐसे देखिए ऐसे। एक बाकी रह गया सर बावर्ची का काम। हाँ, सो दैट, हाँ, इनफैक्ट दैट इज एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। हाँ एग्जैक्टली। गम धम धनी सा ध ध सा ग म रे सा। सो तुम बिन जीवन कैसा जी, फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। सो ऑफ कोर्स द स्टैंजा ऑफ दिस सॉन्ग इज टोटली डिफरेंट इन द सेंस दैट द राग चेंजेस जस्ट द फर्स्ट टू लाइंस एंड वेरी पॉपुलरली it is actually based on Hemant because the song is very popular, right? So so great. Very popular. बहुत कम सुना जाता है ना इसका हेमंत का नाम। हेमंत इनफैक्ट एक गजल है मेहंदी हसन खान साहब की। अरे वाह हो जाए। अरे क्या बोनस बोनस। हम ही में थी oh my god न कोई बात याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। देखिए पूरा हेमंत का इसमें कितना जबरदस्त। हाँ हाँ व्हाट अ ग्रेट डिस्कवरी मनोज जी। ये तो आई डोंट थिंक कहीं अवेलेबल है ये राग हेमंत में, पता ही। यस यस क्या बात है क्या बात है जबरदस्त जी। हालांकि इसमें प्लीज स्टैंजा स्टैंजा अगर आपको याद है। स्टैंजा याद नहीं है। नहीं मैं कह रहा था कि हेमंत सो ये थोड़ा सा मिश्र हेमंत है। अभी हेमंत ऐसा एक राग है कि जिसको ठुमरी के ठुमरी की शैली में भी गाया जाता है। जैसे हमने याद पिया किया है ठुमरी सुनी तो ये जो गजल अभी आपके सामने पेश की तो उसमें हेमंत का जो सेमी क्लासिकल रूप है वो आपके सामने दिखता है। तो या सो दैट वाज दैट्स द फील ऑफ दिस राग। सुपर सुपर ग्रेट ग्रेट फाइंड। सो हासिल है महफिल। तो या तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बट सच अ पावरफुल राग। आई नो एंड देयर आर इंटरेस्टिंगली क्वाइट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर दैट वी मस्ट हैव मिस्ड सम सॉन्ग्स यू नो स्पेशली फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस मराठी स्पेशली। सो सो लेट्स सी आई एम श्योर पीपल विल कम बैक टू अस विद देयर सॉन्ग्स विद देयर क्वेश्चंस विद देयर फीडबैक। एंड सो As always, it was so much pleasure bringing this episode for all of you. The first episode of 2022 on the first day of 2022, right? So, and as I said at the beginning, let's hope and pray that our journey continues. Not just in music, magar kisi bhi kshetr mein, agar hum kuch karne ki koshish kar rahe hain, to wo यात्रा जो है हमारी आगे बढ़ती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और फिर एक बार सबको नया साल मुबारक। पंकज जी आपको एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी लिसनिंग। नमस्कार।